हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा और अड्डा 247 पे। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आज 5 से 7 मिनट लेट हूं, और उसका वजह था यार कि जब थोड़ा मतलब अब क्या वजह बोलना, 5 7 मिनट लेट हूं मतलब लेट हूं, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, सिवाय मैं आपसे सॉरी कहने और क्षमा मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। तो चलिएगा लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको करके ये महसूस करेंगे कि भैया ऐसे भी क्वेश्चंस तैयार करके एग्जाम में जाने हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन हिस्ट्री तो देख लेते हैं लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं। तो आज उन्हीं वर्ल्ड हिस्ट्री के चुनिंदा क्वेश्चंस पे, रिलेटिव इंफॉर्मेशन पे बातचीत होगी। और हाँ मेरे दोस्त, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हो मेरे इस आरआरबी एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज से, अभी भी अवसर है दोस्त, अवसर रहते अवसर को पहचानो और Y182 कोड का प्रयोग करके, मेरे भाई Y182 कोड का प्रयोग करके इसे आप आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। इस कोड से आपको मिलेगा भारी छूट। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आता है। तो ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। अब जरा मैं भी जुड़ जाऊं कि कहां से आपके साथ मैं भी YouTube पे जुड़ जाऊं तुरंत आपके कमेंट देखने के लिए। तो बताइएगा चीन की विशाल दीवार का निर्माण कहां से माना जाता है, मतलब किसने किया था, क्वीन सी हुएंग ने किया था या फिर आपके काहिन ने किया था या कुएजांग अथवा ह्यून टेसेंग ने किया था या यिजिंग ने किया था, बताइएगा दोस्तों, जरा बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं दोस्त कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 259 बीसी से लेकर के 210 बीसी, बीसी है इसीलिए समय पीछे की तरफ चल रहा है। ठीक है ना, इसने क्वीन सी हुए 259 से 210 बीसी तक चीन की दीवार का निर्माण में ये लगा था। और दोस्तों ये ऑटोमन टर्क के डर की वजह से, किसके डर की वजह से दीवार बनी थी, ऑटोमन टर्क का डर, ऑटोमन टर्क के डर के कारण ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है ना, ऑटोमन टर्क के डर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में निषिद्ध शहर कहां स्थित है, वेयर इज द फॉरबिडन सिटी। मैं बता दूं एनटीपीसी और एसएससी में कई बार पूछ चुका है फॉरबिडेड सिटी कहां पे है, निषिद्ध शहर कहां पे है। वैसे इसे फॉरबिडेड नहीं कहते हैं, फॉरबिडेन कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम कौन सी सिटी कहते हैं, फॉरबिडेन। ठीक है ना, फॉरबिडेन सिटी इसको कहते हैं। तो निषिद्ध शहर कहां स्थित है दोस्तों, और याद रखना दोस्त, चीन में निषिद्ध शहर जो है दोस्त उसे हम बीजिंग को कहते हैं। और इस बीजिंग को 1987 में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज भी साबित किया गया, मतलब विश्व धरोहर की सूची में भी इसको ला दिया गया है, विश्व धरोहर की सूची में भी यह आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं काजल सिंह जी, गुरु जी टाइम की, हाँ इमरान चौहान जी, टाइम की कीमत है, लेकिन दोस्त आप एक बात जानिए, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा इमरान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इंकास द्वारा किया गया था। अब पहली बात तो एक बात समझना होगा कि ये इंकास है क्या दोस्तों, इंकास एक सभ्यता का नाम है। ठीक है ना, इंकास एक सभ्यता है जो साउथ अमेरिका में, कहां, जो दोस्तों साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में, ठीक है ना, एंडीज पर्वतमाला में बसने वाली एक सभ्यता है। और इंकाज ने दोस्तों इसमें से विश्व हेरिटेज साइट में से एक माचू पिचू का निर्माण किया है। ठीक है ना, माचू पिचू कहां पड़ता है, जरा कमेंट बॉक्स में जाकर के दोस्तों कमेंट करिएगा माचू पिचू कहां पड़ता है। तो याद रखना दोस्त, माचू पिचू आपके पड़ता है पेरू में। माचू पिचू कहां पड़ता है, तो दोस्तों माचू पिचू आपके पेरू में पड़ता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, माचू पिचू पेरू में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, काफरी पिरामिड, मैनकोर पिरामिड, खुफू पिरामिड या जेटफ्रे पिरामिड, बताएगा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड क्या है। देखो दोस्त, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे आप एसएससी दे दो, जेई दे दो, एनटीपीसी दे दो, सभी के लिए ये क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, याद रखना दोस्त, खुफू पिरामिड। मिस्र का जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है खुफू पिरामिड। अब देखिए यहां पे मैं आपको
बिल्कुल बिल्कुल, खुफू पिरामिड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खुफू पिरामिड का दोस्तों एक्चुअली उपयोग मिस्र के लोग करते थे शव दफनाने के लिए। क्या करने के लिए? शव दफनाने के लिए, ठीक है ना, शव दफनाने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। और आपको यहां पे बता दूं, शव दफनाने के अलावा ये जो और शव के साथ खुफू पिरामिड में ये लोग जितने फूड वगैरह वाटर वगैरह ये सब लाश के साथ रखते थे, और ये मानते थे कि इसका उपयोग कब्र के अंदर जिस भी व्यक्ति को हम लोग दफना रहे हैं वो करेगा। याद रखना दोस्त, इसी खुफू पिरामिड को आपसे ग्रेट पिरामिड के नाम से भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ग्रेट पिरामिड भी हम किसको कहते हैं? खुफू के पिरामिड को कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस के प्रतियुक्ति लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एंशियंट स्टाइल ऑफ इजिप्टियन सिंबॉलिक राइटिंग। जैसे दोस्तों भारत में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था तो हम उसको क्या कहते हैं राइटिंग को? बास्ट्रोफेडन। भारत में जो लिखावट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय वो कैसी लिखावट थी? तो बास्ट्रोफेडन थी। तो अब आपको बताना है मिस्र के प्रतियुक्ति लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों प्राचीन शैली को हम लोग कहते हैं हाइरोग्लिफिक्स। हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं मिस्र की प्राचीन शैली को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे। अच्छा, इसमें से आप इसमें से आपका क्या है? सर जी कुछ तुच्छ बच खराब, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मिस्र के प्रतियुक्त लेखों की प्राचीन शैली, भैया सुग्रीव पांडे, रहीस खालिया, आंसर करो भाई, ठीक है ना, आंसर करो। किरण कुमारी, नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? दोस्तों बर्लिन की दीवार, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के ना बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं इनके अलावा आपको कुछ और भी देखने की दोस्त। अगर इतने आपको याद रहेंगे ना, विश्वास कर लेना दोस्त, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जो बर्लिन की दीवार थी, ये दोस्तों 28 वर्ष तक जो बर्लिन नाम का शहर था उसको दो भाग में बांटे हुए थी, ठीक है ना। ये बर्लिन शहर को दो भाग में बांटे हुए थी, एक भाग को दोस्त हम लोग ईस्ट बर्लिन के नाम से जाने और एक भाग को दोस्त हम लोग वेस्ट बर्लिन के नाम से जाने। तब जाकर के दोस्तों इस बर्लिन की दीवार को 28 वर्ष तक जब ये बर्लिन को बांटी रही तो बर्लिन के लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम इसको ध्वस्त कर देंगे। और ध्वस्त कब किया दोस्तों? 1989 में। मतलब अगर पूछे कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ था तो दोस्तों याद रखना 1961 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और दोस्तों उसके 1961 में इसका निर्माण हुआ और दोस्तों इसको हम लोग ध्वस्त कब किए तो ध्वस्त किए थे 9 नवंबर, ठीक है ना, 9 नवंबर 1989 को हम लोग बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिए थे और फिर बर्लिन को एक मान लिए थे। नेक्स्ट, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। वियतनाम युद्ध जो है दोस्त, इसको हम लोग, कोई भी जो बता दे कि वियतनाम युद्ध को किस दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, दोस्तों तब तक मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। एनटीपीसी के पेपर में एक बार आया था, 2014-15 की बात है, कि वियतनाम युद्ध कब से शुरू होकर कब तक चला था? कोई भी बता पाएगा कब से शुरू होकर कब तक चला था? तो दोस्तों याद रखना, वियतनाम युद्ध 1955 में शुरू हुआ था और दोस्तों चला था 1975 ईस्वी तक। 1955 से 1975 तक मेरे भाई वियतनाम का युद्ध चला था। और इस वियतनाम के युद्ध में दोस्तों उत्तरी वियतनाम मतलब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम आपस में लड़े थे। ये आपका उत्तरी है और ये आपका दक्षिणी है, ठीक है ना, इतना समझ लेना यार, क्योंकि उंगली में चोट लगी हुई तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में लड़ा गया था और दोस्तों इसको हम लोग इंडो चाइना वार भी कहते हैं। डी ऑप्शन देखो, कोई भी सही नहीं कर पाया, एक आध दो लोग जैसे शिवानी शिवानी ने इसको सही किया और नेहा रानी ने इसको बी बी बोला। नहीं दोस्त, इंडो चाइना, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, कई लोग इसको गलत कर दियो। इंडो चाइना इज द राइट आंसर। वियतनाम युद्ध, द्वितीय वियतनाम युद्ध को हम लोग इंडो चाइना वार के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो दोस्तों बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी यह आपको बताना है। सभी को याद होगा कि 1972 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान का ही दोस्तों जो पूर्वी हिस्सा था,
पूर्वी पाकिस्तान जो था दोस्त, उसी को अलग करके इंदिरा गांधी जी ने क्या बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, उसी को बांग्लादेश बना दिया। और यही बांग्लादेश का जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो सॉन्ग लिखा था आमार सोनार बांग्ला, वो क्या बन गया, राष्ट्रीय गीत बन गया, आमार सोनार बांग्ला। रेलवे एनटीपीसी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बांग्लादेश का जनक हम लोग किसको मानते हैं, ठीक है ना, बंग का, तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग बांग्लादेश का जनक मानते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश का जनक। आंसर क्या सही हो जाएगा सर, पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना। नेक्स्ट, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो भैया अभी अभी तो चूंकि मैंने बोला है तो लोग लगेंगे टिक लगाने शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन दोस्त शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपिता टाइप के हैं, तजाउद्दीन अहमद। देख लो कितने लोग गलत किए हो, और दिल से पूछ लेना कि क्या तुमको बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पता था, अपने पड़ोसी देश के नहीं पता था ना, तो इसको याद रख लेना, शेख तजाउद्दीन दोस्तों 1971 से लेकर के 1972, मैं डेट भी लिख दे रहा हूं, 12 जनवरी 1972 से लेकर के दोस्त आपके 11 अप्रैल 1971 से, ठीक है ना, 11 अप्रैल 1971 से 12 जनवरी 1972 तक बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाला दोस्त तजाउद्दीन अहमद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था। अब ये सब बहुत बड़ी क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, इसी 1999 2000 के समय हम लोगों ने कारगिल विजय भी किया था। कारगिल विजय के लिए दोस्तों हम लोगों ने कौन सा अभियान चलाया था, ऑपरेशन विजय। कभी ना भूलने वाली चीजें ये हैं, एवरग्रीन स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ चुकी हैं। ऑपरेशन विजय हम लोगों ने कारगिल युद्ध के समय चलाया था, जिनमें भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को हराया और हम लोगों को गौरव की अनुभूति कराई। लेकिन अब क्वेश्चन तो यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसका तख्ता पलट किया था, तो भैया शरीफ आदमी थे नवाज शरीफ, ठीक है ना, बहुत शरीफ आदमी थे नवाज शरीफ, इनका तख्ता पलट हुआ था 1907 में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इतने आसान भी नहीं है जो आप कर दो। लोग मुझसे डेली शाम 7 बजे एनटीपीसी के टेस्ट में तो आ जाते हैं, सुबह 11 बजे ना आके ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं डेली एक एक इसी तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। आप 1907 में फिल इन द ब्लैंक्स भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था किसको, और 17 राज्य के प्रमुख गैल्पो ड्रैगन राजा, मुख्य क्वेश्चन है कि ड्रैगन राजा भूटान में किसको कहा जाता है। रेलवे में सिर्फ इतना पूछा था कि भूटान के किस शासक को ड्रैगन राजा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जरा बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, ड्रैगन राजा के को हम लोग किसको कहते हैं, वैंगचुक, ठीक है ना, उगेन वैंगचुक। कितने करीबी आंसर हैं, और मैं विश्वास करता हूं दोस्त किसी को नहीं याद होगा, ठीक है ना। 1907 में यह पहला वंशानुगत शासक था, प्रथम वंशानुगत शासक था उगेन वैंगचुक, प्रथम वंशानुगत, जिसे हम लोग ड्रैगन राजा के रूप में भी जानते हैं, वंशानुगत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी, गुलनाबाद की लड़ाई। अब ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में रेलवे के आते हैं तो आप लोग गाली देते हो कि हट साला ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इतना तो हम पढ़े ही नहीं, इतना तो हम समझे ही नहीं। तो भैया हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहां आएंगे, आप खुद से सोच लो दोस्त। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं। शिवानी गुप्ता जी, कम बैक रहीस खालिया जी, नेहा रानी, अंकिता कुमारी, तुषार, तानिया साहू। तानिया तुम्हारा कमेंट बहुत दिन बाद आ रहा है बेटा, थोड़ा मतलब मजेदार ढंग से जुड़े रहा करो, ठीक है। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे दोगे कि सर 1722 ईस्वी। यहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री के 3-4 मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हो दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, दशमलव प्रणाली को किस देश ने दिया है, कोई भी बता दे दशमलव प्रणाली। दोस्तों याद रखना, दशमलव प्रणाली देना किसका काम है, फ्रांस का, ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा आपसे। एक बड़ा फेमस युद्ध है ट्राफलगर का युद्ध, जैसे ये है ना गुलनाबाद की लड़ाई, वैसे ही है दोस्त ट्राफलगर का युद्ध, ट्राफलगर का युद्ध, ठीक है ना,
ट्राफलगर का युद्ध, ये बताओ कब लड़ा गया था, ठीक है ना? तो दोस्तों ये लड़ा गया था आपके 1805 में, किसके किसके बीच में भैया? एक तरफ इंग्लैंड था और एक तरफ नेपोलियन था, एक तरफ नेपोलियन था। इसी युद्ध में नेपोलियन हारा था, ठीक है ना? इसी युद्ध में नेपोलियन हारा था। अब आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता युद्ध है वो कब हुआ था? तो दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1776 में हुआ था। यदि अमेरिका का जो हम लोग स्वतंत्रता युद्ध की बात करें, 1776 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था, और कब खत्म हुआ सर? 1783 में समाप्त हो गया था, ठीक है ना? यह यूएसए का है। उसी तरीके से दोस्त आपसे, जैसे ये फ्रांस की क्रांति भी आपसे पूछ देता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में खूब सारे रहेंगे, ये देख लेना, फ्रांस की क्रांति 1789 में। उसी तरीके से दोस्त आपसे और भी कई ऐसी क्रांतियां हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना? जैसे दोस्त आपसे पूछ सकता है कि इटली का जन्म किस सन में हुआ था, नए इटली का जन्म किस सन में माना जाता है? नए इटली का जन्म दोस्तों कब माना जाता है? तो 1860 में माना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्रांति, ये सब पढ़ लो, काम आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होताकी वंश बताओगे? होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? किसी को भी याद है होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? भैया याद रखना होता, अच्छा देख लेना, कई लोग गलत करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े ही नहीं हो तो गलत तो करना ही करना है। होताकी वंश मैं बता रहा हूं दोस्तों, होताकी वंश जो था वो डेवलप हुआ था आपके अफगानिस्तान में। होताकी वंश कहां डेवलप वंश हुआ था? अफगानिस्तान में। और इस होताकी वंश का ग्रुप डी के पेपर में फाउंडर पूछा है, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, चूंकि आपका पड़ोसी देश है तो पूछा था इसका फाउंडर कौन है। दोस्तों याद रखना मीर वाइस, इसके फाउंडर का नाम है मीर वाइस होताकी, ठीक है ना? मीर वाइस होताकी, होताकी वंश के फाउंडर का नाम है। अच्छा अच्छा एक बात, पिछला क्वेश्चन जो था दोस्त, ये गुलनाबाद की लड़ाई तुम लोग के मन में रहेगी कि सर इसमें हुआ क्या था, ठीक है ना? तो दोस्तों ये जो गुलनाबाद की लड़ाई थी, ये तो 1722, इसका आंसर सही है महमूद होताकी, ताकि थोड़ा फैक्ट जानोगे ना तब क्लियर रहेगा तुमको। महमूद होताकी और दोस्तों महमूद गिलजी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है? महमूद होताकी और महमूद गिलजी, ठीक है ना? महमूद गिलजी के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों याद रखना ये एक अफगान योद्धा था, इसमें पर्सिया की सेना को परास्त किया था, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहली सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? आप लोग कभी चाइनीज मूवी देखो तो उसमें नहीं रहता है कि मिट्टी के सैनिक रहते हैं, जैसे वो मम्मी वमी मूवी जैसे थी, और फिर वो अचानक जिंदा हो जाते हैं और युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं। हॉलीवुड की मूवी देखिए, खास करके चाइनीज जो राजा रानी की मूवी है उसको देखिए, और यार वो जो खिड़की है, जैसे चाइनीज युद्ध, मतलब वो लोग मतलब ऐसे खिड़की उड़की खोलते थे, तो क्या चीज वो लोग उसको मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ तो हाँ यार वो उसको मतलब वो लोग खिड़की वाला जो पॉइंट है वो मैं मिस कर रहा हूं ना, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट खिड़की से था, ठीक है ना? खैर कोई पॉइंट नहीं। तो यहां पे ये आर्मी टेराकोटा की मूर्तियां एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट को दर्शाती हैं, सेनाओं? तो दोस्तों याद रखना ये चीन की, ठीक है ना? वो चाइनीज मूवी, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कभी देखते नहीं, ठीक है ना? चलो सुग्रीव पांडे आगे बढ़ना इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, ठीक है? पोताला महल का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोताला महल? बताओ जरा पोताला महल का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी दोस्त जो बता दे पोताला महल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों याद रखना पोताला महल का सिग्निफिकेंस है कि दलाई लामा सर्दियों के समय का पुराना स्थल, दलाई लामा दोस्तों जो कि धर्म गुरु हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? धर्म गुरु जो हुआ करते थे दलाई लामा, ये उनके समय का पुराना जो, अब यह ठंडे का दिन चल ही रहा है तो आप याद रखिएगा। अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री से यदि दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कम्युनिस्ट, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इतनी महान किताबों में से एक है जो आप देखते हैं किसको याद रहता है। और दोस्तों ये लाइन किसने दिया है? दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये लाइन किसने दिया है?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है और दुनिया के मजदूरों एक हो। सर दुनिया के मजदूरों एक हो कार्ल मार्क्स ने। हाँ भैया चलो ठीक है, ये बात तो तुम लोग एकदम सही बताए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने वाले कौन है? सर वो भी कार्ल मार्क्स ही है। और सर कार्ल मार्क्स की एक किताब और बड़ी फेमस है, दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल भी इनकी बहुत फेमस बुक है, ठीक है, याद रखना दास कैपिटल। उसी तरीके से दोस्त एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, यहां लिख रहा हूं, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा बताओ शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है, शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, 7 बार कम से कम रेलवे में पूछा है, तुर्गनेव को, तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है, ठीक है, तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। उसी तरीके से दोस्त आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये आपके क्या रहते हैं, विलियम प्रथम ने, एक शासक था, व्यक्ति था विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम के द्वारा बाजीगर किसे कहा गया? अब ये निश्चित तौर पे शाहरुख खान तो नहीं थे कि उनको बाजीगर कह दिया जाए, लेकिन विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो दोस्तों याद रखना बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क किसे कहा जाता है, अब ये सोचो, विलियम प्रथम ने बाजीगर किसे कहा? तो बिस्मार्क को कहा था। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है, बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। और दोस्तों आपको बताना है कि ये जो जर्मनी का जो हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी, जर्मनी में हिटलर ने 13 लोगों को लेकर एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था, ठीक है ना, जैसे तो उस पार्टी का नाम था नाजी, ठीक है ना, नाजियों को लेकर के हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नाजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था, जिसे दोस्त हम 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। कुछ ऐसे युद्ध हैं जिन्हें हम टाल्फगर का युद्ध कहते हैं, 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, वो आपसे पूछता रहता है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, जैसे भारत में महात्मा गांधी की पूजा होती है, उसी तरह चीनी क्रांति का नायक दोस्त सन्यात सेन को कहा जाता है। सन्यात सेन ये बहुत बड़ा नाम है, सन्यात सेन, इसको जरूर याद रखना। सन्यात सेन को दोस्तों चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपके 100 वर्षीय युद्ध की बात है, वो दोस्तों इंग्लैंड व फ्रांस, कहीं है इंग्लैंड फ्रांस, हाँ इन्हीं के बीच में लड़ा गया था 100 वर्षीय युद्ध, ठीक है ना, और इंग्लैंड को फ्रांस की शक्ति स्वीकार करनी पड़ी थी इस युद्ध के बाद, ठीक है, इस युद्ध के बाद स्वीकार करनी पड़ी थी। और दोस्तों मतलब इस तरीके के आज वर्ल्ड हिस्ट्री के इतने ही क्वेश्चन रखूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाता तो रहूं, ठीक है ना। दोस्तों आज शाम को 7 बजे, एकदम करेक्ट 7 बजे, गवर्नर जनरल वायसराय का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, गवर्नर जनरल वायसराय का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं शाम 7 बजे, जुड़िएगा जरूर। और दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है बताइएगा, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है, कोई बताए कि कार्ल मार्क्स के अनुसार, भैया कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के ऊपर, इनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो भैया कार्ल मार्क्स के अनुसार जो धर्म है वो ये है, सी ऑप्शन, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो धार्मिक चीजें हैं ना, वो गरीबी को और उत्पीड़न को सही ठहराता है, कोई सोच भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म से गरीबी बढ़ जाती है, लोग धार्मिक पूजा पाठ में लग गए, धन खर्चा कर दिए, लोग ऐसे हो गए कि तुम मंदिर में नहीं जाओगे, सिर्फ ये मंदिर में जाएंगे, तुम चर्च में नहीं जाओगे, तुम मस्जिद में नहीं जाओगे, तो एक तरीके के उत्पीड़न को भी बढ़ावा दिया ना, पैसा नहीं है लेकिन धर्म के नाम पे खर्च करना है, तो गरीबी को भी बढ़ावा दिया ना, दैट इज कार्ल मार्क्स थ्योरी, ठीक है ना, दैट इज कार्ल मार्क्स थ्योरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो भैया 1947 में तो हम लोग भिड़े थे, 65 में भी लड़े थे, 71 में भी लड़े थे, लेकिन 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो आंसर क्या सी हो जाएगा, 1962। अगला क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? दोस्तों इसी ताशकंद घोषणा के बाद
देश के आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद समझौते के बाद ही निधन हुआ था। और दोस्तों ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था मेरे भाई? तो 1965 में हुआ था। बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों शिमला समझौता 1972 में दोस्तों किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुट्टो। कहीं है भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी? यस, भुट्टो और इंदिरा गांधी। लेकिन अगर शिमला समझौता आजादी के पहले वाला पूछ दे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है ना। तब कब हुआ था शिमला समझौता? 1945 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के इस मिशन से जुड़ जाओ। जिस आरआरबी एनटीपीसी मिशन में दोस्तों आपको मेरा वरदान बैच, अक्षय सर का टारगेट एनटीपीसी, अवस्थी सर का रफ्तार बैच, मॉक प्रैक्टिस बैच, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज, ये सारे के सारे जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्त, ये इस आरआरबी एनटीपीसी के मिशन में जुड़ा हुआ है। जो आप मेरे रेफरल कोड Y182 से आज मात्र 465 रुपया लगभग पे खरीद सकते हो। मात्र 465 रुपए में दोस्त मिशन आरआरबी एनटीपीसी खरीदने से आपको ये सारे के सारे बैच मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें इस समय मेरा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, अभी कल शुरू हुआ है फिजिक्स, तो अभी भी आप इससे जुड़ करके पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आपसे शाम 7 बजे मुलाकात होगी। और हाँ मेरे दोस्त, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।